जो भी चाहिए Z5 पर बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। हद हो गई बेशर्मी की। अरे अथर्व ने ताना मारते हुए कह क्या दिया, ये तो मुफ्त का खाना खाने रुक गया। अरे भाव, अरे आओ साहब की बातों का बुरा मत मान, वैसे भी थोड़ी देर में यहाँ कुछ होने वाला है, तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी तुम्हारी सिक्योरिटी की, यही रहो खाना। दाई, हाँ? जाकर मेरी कल्लू को तैयार कर दो ना, और बिल्कुल उसी ड्रेस में तैयार करना जो मैं कल्लू के लिए पसंद करके लाया। हाँ चलो, मेरे भाई ना तुम्हारे लिए बहुत महंगी ड्रेस लेके रखे, दिखाती तुम्हें, चलो चलो चलो। ओ महारानी, इस बैग में कपड़े ले लो अपने हाथ से और पहन लो, मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए कपड़े सजा कर रखूंगी, समझ ला। एक तो पता नहीं इस अथर्व को ऐसी अजीब अजीब लड़कियां क्यों पसंद आती है, पहले तो वो कलमू ही संपदा और अब तुम। हेलो मैडम, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करो। क्या क्या हाँ? क्या कपड़े लेने जा रही हूँ? हम तो ले लो, किसने रोका? मना किया था तुम्हें चला के मत करना, लेकिन तुम और हवलदार बास का आते मेरी गाड़ी का पीछा करना, झूठी मूठी की कुश्ती, मेरा फोन चुराना, तुम कल्याणी तुम भूल कैसे गई कि सबका भुगतान तुम्हारी आई हमारी माई अनुप्रिया को करना पड़ेगा? कल्याणी कैसे भूल सकती हो? बिल्कुल ऐसे ही तड़प रही है तुम्हारी आई। हाँ अनुप्रिया ऐसी तड़प रही है कल्याणी, दम घुट रहा उसका देखना चाहती हूँ। ये देखो कैसे दम घुट रहा है उसका, सांस नहीं आ रही, बेचारी मरने को हो रही है। सांस नहीं आ रही इसके घर पर। अगर तुमने मेरी आई को कुछ किया ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरी जान लेना चाहती हो कल्याणी? लो कल्याणी, जान ले कल्याणी, कल्याणी कल्याणी अच्छा तो तुम मुझे इसलिए नहीं मारना चाहती ना, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी आई भी मर जाएगी, फिर तुम अपनी आई का पता कैसे लगाओगे? कल्याणी एक सपना था अपने प्यार करने वाले की बाहों में मरना, वो भी अधूरा रह गया कल्याणी, वो भी अधूरा रह गया।